दो तीन दिन पहले व्हाट्सएप के अंदर 12-13 साल का लड़का था जो नया पूरे के तकरीबन बताते कि नया पूरे का था वो लड़का जो शनिचर के दिन से गुमशुदा है यानी घर से फरार है यानी घर से निकल गया है, गुमशुदा की तलाश थी उसकी। लेकिन आज अभी आधा घंटा पहले मुझे फ़ोन आया कि महद मिल्लत के पीछे मर्डर हो गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पास आए, यहाँ पर देखे तो वही बच्चा है जो तीन दिन चार दिन पहले गुमशुदा है। मैं पौरवाड़ी पुलिस स्टेशन के PI साहब, पौरवाड़ी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल और पौरवाड़ी पुलिस स्टेशन के तमाम ही कर्मचारियों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो फौरी तौर से यहाँ पास आए और आने के बाद उन्होंने इंक्वायरी की और लाश को उठाकर अभी इस वक्त सिविल हॉस्पिटल भेज दिए। लड़का 12-15 साल का है, उनके घर वालों का ये मुतालबा है और हमारा भी यही मुतालबा है। हम सोशल वर्कर है वार्ड के, मोहम्मद इस्माइल रहमानी नाम मेरा यही कहना है पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से और यहाँ के MLA और यहाँ के कॉर्पोरेटर लोगों से भी मेरी ये दरखास्त है कि छोटे बच्चे के इस तरीके से हादसा पेश आया है, इसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। जो कातिल है उनके फौरी तौर से गिरफ्तार होना चाहिए, आवाम के सामने लाना चाहिए और इस तरीके के वारदात शहर के अंदर हो रहे हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो इस तरीके से हमारी मौन और मदद कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों शहर के अंदर ईद का मौका था, ईद बासी के मौके में पर शहर के अंदर इस तरीके से तलवार वगैरह लेकर के गुंडागर्दी कर रहे थे लोग, कुत्ता गोली खा रहे थे। हम पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से दरखास्त और अपील करेंगे कि वो हमारे इस तरीके की बातों को माने और वार्ड के अंदर चौकसी करें, चौक चौराहे पर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग घूमें और इस तरीके के हालात से रोकथाम करें। एक मासूम बच्चे के इस तरीके से बेदर्दी से मौत हो जाना हम लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है कि इस तरीके के हालात शहर के अंदर आ रहे हैं। मैं शहर की आवाम से और शहर के बेदार मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा और उलमा इकराम से भी गुजारिश करूंगा कि वो मस्जिद के अंदर इस तरीके के हालात को बयान करें और नौजवानों को कुत्ता गोली और शराब जैसे नोशी से रोकने की कोशिश करें। मैं इतनी अपील करना चाहता हूँ आवाम से कि अपने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। बच्चे अगर किसी भी तरीके से कहीं भी जाते हैं तो आप फौरी तौर से पुलिस डिपार्टमेंट को इतला दें। अभी मासूम बच्चे का जो वाकया पेश आया है, मैं अपनी तरफ से पुरजोर अंदाज से मजम्मत भी करता हूं कि इस तरीके के हालात शहर के अंदर हो रहे हैं, ये बहुत संगीन हालात है। मैं अपनी बात इसी ख़त्म करता हूं और पौरवाड़ी पुलिस स्टेशन के तमाम डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।